शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में किंग खान के जबरदस्त एक्शन सीन्स ने फैंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। देश भर में रिलीज के साथ ही पठान हर रोज कई रिकॉर्ड्स बना रही है। कश्मीर में भी पठान ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल पठान के साथ कश्मीर घाटी के थिएटर में पूरे 32 साल बाद हाउस का साइन देखने को मिला। देश के मशहूर मल्टीप्लेक्स चैन इनॉक्स लेजर लिमिटेड इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दे चुके हैं। वहीं शाहरुख खान ने इसके जवाब में भी उनको थैंक यू बोला है। इनॉक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, आज पठान को लेकर पूरे देश में क्रेज है। हम 32 साल बाद कश्मीर घाटी में हाउसफुल साइन को वापस लाने के लिए किंग खान के आभारी हैं। धन्यवाद शाहरुख खान। आपको बता दें, शाहरुख खान की फिल्म पठान कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है। पठान पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और इसी के साथ ही पठान ऐसी पहली फिल्म है जिसे वीकेंड से पहले रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होने का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म के गाने बेशर्म रंग गाने को लेकर विरोध भी हुआ था, लेकिन 4 साल बाद किंग खान की धमाकेदार वापसी हुई है। अब फिल्म आउट होने के बाद फैंस की दीवानगी भी देखते ही बन रही है। इससे पहले शाहरुख खान को साल 2018 में जीरो में देखा गया था। शाहरुख खान की फिल्म जीरो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन पठान को देखकर तो लगता है और भी पठान कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाली है। शाहरुख खान की फिल्म पठान कश्मीर में भी बहुत पसंद की जा रही है। जी हां, तभी तो थिएटर्स के बाहर जो हाउसफुल के साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो 32 साल बाद लग पाए हैं।